इतना आसान है, एंशियंट हिस्ट्री का पाठ है। काल 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 इतने में देखो काल है, कहेंगे पहला आता पाषाण काल, हड़प्पा काल, वैदिक काल, महाजनपद काल। पाषाण काल, हड़प्पा काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, दिमाग में सेट हो गया। अब क्या है उसके बाद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्तोत्तर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का पुनः हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है VSR अड्डा कंसेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर में सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग एक नए विषय फाउंडेशन बैच के लिए शुरू करने जा रहे हैं और वह विषय है इतिहास। तो आज के क्लास में हम लोग इतिहास विषय शुरू करने जा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। जो बच्चे इस विषय को गहराई से समझोगे उससे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए आज का क्लास शुरू करते हैं। एकदम ध्यान से पूरे एनर्जी के साथ आज के क्लास को समझिए और जो प्रश्न आएगा वह आपसे बनना ही बनना है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं और आज का जो विषय हम लोग रखे हैं उस विषय का नाम है इतिहास। चलिए ध्यान दीजिए, इतिहास का मतलब हम लोग समझें, इसी को हिस्ट्री कहते हैं अंग्रेजी में। और हिस्ट्री का मतलब जो तुम लोग याद करते हो, जो तुम लोग पढ़ते हो, कि बीती हुई बात, इति मने बीती और हास मतलब बात, यही इतिहास है। तो यह इतिहास नहीं है, यह गलत पढ़ते हो। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तव में इतिहास है क्या, कैसे इतिहास की शुरू है, एकदम फाउंडेशन बैच की तरह शुरू से चलेंगे। देखो इतिहास कुछ नहीं है, अगर हम लोग मानव सभ्यता के आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के जो निरंतरता है या फिर जो परिवर्तन है उन्हीं को हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास का मतलब है कि मानव सभ्यता के आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन में जो निरंतरता और परिवर्तन होता है वही इतिहास है। जैसे जब हम लोग समाज की बात करते हैं तो समाज में क्या क्या है, समाज पर किसका अधिकार होता है, यह हम लोग अगर शुरू से देखेंगे तो बड़ा जान के आश्चर्य होगा आपको। बात में प्राचीन काल में जब हड़प्पा काल पढ़ोगे उनको बड़ा आश्चर्य होगा, हड़प्पा काल में समाज पर महिलाओं का अधिकार था और हमारा समाज मातृसत्तात्मक था। क्या मातृसत्तात्मक अभी है, अभी समाज मातृसत्तात्मक है कि पितृसत्तात्मक? तो समाज अभी पितृसत्तात्मक है, लेकिन शुरुआत में देखिए जिस समय मानव सभ्यता का उदय है उस समय समाज जो देख रहे हैं वह हम मातृसत्तात्मक है, यानी समाज पर स्त्रियों का अधिकार है। और यह पता चलता है उस समय जो अवशेष प्राप्त हुए मातृ देवी की मूर्ति उसमें उनके गर्भ से एक पौधे को निकलता दिखाया गया है। तो यह हमारा मातृसत्तात्मक शुरू में है और अभी हम लोग देखते हैं तो समाज पितृसत्तात्मक है। और पितृसत्तात्मक समाज के कारण बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, यही देखो शुरू में मातृसत्तात्मक है और बाद में पितृसत्तात्मक है, इसी को हम लोग परिवर्तन कहते हैं। इसी में चले समाज में अधिकार के बाद इसमें और भी कई बात मिलेंगे, एक करके सारा जीवन तुमको समझा दे तो बड़ा मजा आएगा। जैसे सामाजिक जीवन और मानव सभ्यता के सामाजिक जीवन में क्या क्या सोचना है, यही सोचना है कि इसमें क्या क्या बदलाव है, क्या क्या निरंतरता है। जैसे अभी हमने कहा कि समाज पर किसका अधिकार होगा, समाज पर पुरुषों का अधिकार होगा कि महिलाओं का अधिकार होगा, यह ध्यान देना है,
यदि समाज पर पुरुष का अधिकार होता है यदि समाज पर महिला का अधिकार होता है तो दोनों में बातें अलग होगी। पुरुष का अधिकार होगा तो समाज पितृ सत्तात्मक होगा और महिला का होगा तो मातृ सत्तात्मक होगा और पहली बार मातृ सत्तात्मक समाज केवल और केवल हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। बाकी जितने भी काल हैं वहां पर समाज पर पुरुषों का अधिकार हो जाता है। इसके बाद अगर हम लोग डिटेल चलें, सुना जाए बात बढ़िया से, सामाजिक जीवन में हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी में हम लोग वर्ण सोच लेते हैं। वर्ण का मतलब है जाति। इसी में हम लोग वेशभूषा सोच लेते हैं, इसी में हम लोग मनोरंजन सोच लेते हैं। और इन सब क्रियाओं में, सुनेंगे बढ़िया से, इन सब क्रियाओं में जो बदलाव होते हैं या जो लगातार चलते रहता है उसी को सामाजिक जीवन कहते हैं। और सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, इन सब जीवन में जो भी बदलाव निरंतरता होगा उसी को इतिहास कहेंगे। तो हम समझते हैं कि आप लोग इतिहास को बढ़िया से समझें। अभी इतिहास में हम लोग विषय से चल रहे हैं, सिलेबस से शुरू करते हैं ताकि पढ़ने में एकदम मजा आ जाए। और इतिहास को हम लोग दो भाग में दबाटते हैं, एक को इंडियन हिस्ट्री कहते हैं और दूसरे को वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं। और हम लोग का जो मुख्य काम है फाउंडेशन बैच में इंडियन हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में नाम मात्र के क्वेश्चंस रहते हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री अंतिम में भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंडियन हिस्ट्री हम लोग को एकदम, जो भारत का इतिहास है इस पर फुल कमांड होना चाहिए। और भारत के इतिहास में हम लोग देखेंगे इसको तीन पार्ट में बांटते हैं और तीनों पार्ट बड़ा बेहतरीन है। पहला जो इतिहास है इसको एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, प्राचीन इतिहास। दूसरा जो है इसको हम लोग एकदम ध्यान रखेंगे, यह हमारा मध्यकालीन इतिहास है। दूसरा हमारा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा हमारा आधुनिक इतिहास है। यानी भारतीय इतिहास को सिलेबस के अनुसार बांटा जाए तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि तीन पार्ट है, एक प्राचीन, एक मध्यकालीन और एक आधुनिक। अब इसी सिलेबस में यदि हम लोग प्राचीन इतिहास के तह तक जाएं, प्राचीन इतिहास को खोजे, तो यह देखिए प्राचीन इतिहास जो हम लोग देख रहे हैं यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राचीन इतिहास का सिलेबस की बात करें तो इसमें हम लोग पहला जो काल पढ़ते हैं इसको पाषाण काल कहते हैं। दूसरा जो काल पढ़ेंगे यह हमारा हड़प्पा काल है। और तीसरा जो काल पढ़ेंगे हड़प्पा काल के बाद तीसरा हमारा होगा वैदिक काल, और वैदिक काल के बाद महाजनपद काल। एकदम दिमाग में सेट करेंगे महाजनपद काल। उसके बाद अगर हम लोग चलें महाजनपद काल के बाद तो हमारा शुरू होता है मौर्य काल, और मौर्य काल के बाद चलें तो हमारा शुरू होता है मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर के बाद चलें तो हमारा गुप्त काल, और गुप्त के बाद चलें तो हमारा शुरू होगा गुप्तोत्तर काल। यह देखिए हमारा एंशिएंट हिस्ट्री जो प्राचीन इतिहास है उसमें फाउंडेशन बैच का सिलेबस है। एकदम फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब होता है नींव। घर का नींव अगर बढ़िया डालना है तो दावा बढ़िया खोदे पड़ता है, और दावा खोद के बढ़िया उसमें पिलर है भी देना पड़ता है। और नींव मजबूत है तो फिर जे तल्ला अपना एकदम डिजाइन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो नींव एकदम ठीक ठाक करना है। तो ध्यान दे एक बार फिर से, प्राचीन इतिहास में हम लोग सिलेबस एक बार देखें,
बोलो पहला क्या है पाषाण काल, दूसरा क्या है हड़प्पा काल, तीसरा क्या है वैदिक काल, चौथा क्या है महाजनपद काल, पांचवा क्या है मौर्य काल, छठा क्या है मौर्योत्तर काल, और सातवां क्या है गुप्त काल, और आठवां क्या है गुप्तोत्तर काल। यानी मुख्य रूप से एंशियंट हिस्ट्री की बात की जाए, प्राचीन इतिहास में प्राचीन भारत का बात करें, एंशियंट हिस्ट्री में भारत की बात करें, तो आठ पार्ट पढ़ने, जिसमें पहला पाषाण काल, दूसरा हड़प्पा काल, तीसरा वैदिक काल, चौथा महाजनपद काल, पांचवा मौर्य काल, छठा मौर्योत्तर काल, सातवां गुप्त काल और आठवां गुप्तोत्तर काल। एकदम दिमाग में सेट करिए कितना आसान है एंशियंट हिस्ट्री का पाठ। काल 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 इतने में देखो काल और ओकर बात याद हो जाए, कहेंगे पहला था पाषाण काल, हड़प्पा काल, वैदिक काल, महाजनपद काल। पाषाण काल, हड़प्पा काल, वैदिक काल, महाजनपद काल दिमाग में सेट हो गया। अब क्या है उसके बाद मौर्य मौर्योत्तर गुप्तोत्तर, मौर्य मौर्योत्तर गुप्त गुप्तोत्तर, मौर्य मौर्योत्तर गुप्त गुप्तोत्तर। बस हो गया एकदम कहानी क्लियर, एकदम याद हो गया। फिर से पाषाण काल, हड़प्पा काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, अब बस चार बचा था मौर्य मौर्योत्तर गुप्त गुप्तोत्तर। तो हम चाहते हैं कि सिलेबस सभी का क्लियर हो गया। चलिए हिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ बात पढ़ना होगा जिसमें हम लोग तिथि को देखेंगे, देखेंगे बढ़िया से। हिस्ट्री बड़ा मजेदार है जी, एकदम समझे रहोगे बेसिक बात, हिस्ट्री मजा आएगा। हिस्ट्री में तिथि तुमको दो प्रकार से मिलेगा और बड़ा कंफ्यूज होगा कि सर डेट ऐसे कैसे होता है। एक तुमको मिलेगा जहां लिखा रहेगा ईसवी, और एक तुमको मिलेगा ईसा पूर्व। कि दो डेट हिस्ट्री में तुमको मिलना है, तो एंशिएंट में अधिकांश डेट में देखोगे तो ईसा पूर्व लगा रहेगा। एंशिएंट हिस्ट्री में देखोगे भारत के प्राचीन इतिहास में तो अधिकांश जो डेट देखोगे अधिकांश डेट में ईसा पूर्व, बाद वाला देखोगे तो ईसवी चलेगा। तो है क्या जो समझो, तिथि को हम लोग देखते हैं कि जीरो ईस्वी के आसपास, कब जीरो ईस्वी के आसपास, जीरो ईस्वी के आसपास हम लोग जो देखते हैं बड़ा मजेदार है ईसा मसीह का जन्म। तो जीरो से पहले यदि माइनस में चलेंगे तो ईसा पूर्व लगाते हैं, माइनस का मतलब ईसा पूर्व, और यदि इसके बाद चले तो इधर हम लोग चलते हैं तो ईसा के बाद है ईसवी, इसको कहते हैं ईसा पूर्व को ही बीसी बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, और ईसवी को ही एनो डेमनी एडी कहते हैं। एकदम मजे में सुनेंगे, ईसा पूर्व को बिफोर क्राइस्ट और ईसवी को एनो डोमनी कहते हैं, बहुत मजेदार चीज है जी, एकदम गर्दा उड़ा के पढ़ो तुम लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट और ईसवी माने एनो डोमनी, इसी को एडी कहते हैं। अब देखो मजेदार बात क्या है, अब देखते हैं कितना लोग सही करते हो, हम एक क्वेश्चन देख के चेक कर रहे हैं। अब तुमसे पूछते हैं कि गौतम बुद्ध कब लोग नाम सुना होगा, और एक है महावीर, एक है गौतम बुद्ध और एक है महावीर। गौतम बुद्ध का जन्म 583 ईसा पूर्व में हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म 583 ईसा पूर्व में हुआ, और महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ, 540 ईसा पूर्व में। अब जल्दी से बताओ कि दोनों में बड़ा कौन थे, बड़ा कौन थे। गौतम बुद्ध का जन्म 583 ईसा पूर्व में है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में है, तो बड़ा कौन है, जल्दी आंसर करना है।
बड़ा कौन है, तो तुम लोग क्या है अभी जो चल रहा है, जैसे तुमको समझा दे, अभी जो तुम लोग चल रहा होगा उसमें होगा कि किसी का जन्म 2002 में और किसी का जन्म 2008 में। अब तुमसे हम पूछे कि बड़ा कौन है, और तुम कहा कि सर जो पहले जन्म लिया वो बड़ा है। यहाँ वैसा नहीं होगा, पूर्व लगा हुआ है, पूर्व, और पूर्व का मतलब है यह साल घटेगा तेरासी से बयासी ईसा पूर्व, बयासी से इक्यासी ईसा पूर्व, ऐसे करके 540 ईसा पूर्व जाएगा। कब महावीर का जन्म होगा? कब? जब गौतम बुद्ध का 43 साल उम्र हो जाएगा तब। तो बड़ा गौतम बुद्ध है, और यह भी याद रखना है कि जब जन्म गौतम बुद्ध का पहले हुआ तो पहले बौद्ध धर्म आया होगा कि जैन धर्म आया होगा? तो पहले बौद्ध धर्म आया, ना कि जैन धर्म आया, यह भी दिमाग में सेट रखना होगा। चलिए, एक तो टर्म हम लोग सीखे तिथि, दूसरा सीखते हैं संबत। और जो बच्चा संबत समझ जाओगे, एकदम मजे में समझोगे, अभी तक हम लोग चले तो मुख्य रूप से चार संबत की बात होती है। पहला संबत 58 ईसा पूर्व है, दूसरा संबत 78 ईस्वी में है, और तीसरा संबत 319 बीस में है। और यहाँ पर हम लोग चले 319 बीस के बाद, तो 1613 ईस्वी में संबत है। और यह संबत मतलब हम लोग समझेंगे, संबत का मतलब है उस समय का कैलेंडर, उस समय के कैलेंडर को संबत कहते हैं। और जो भी कैलेंडर समझोगे वही संबत समझेगा, और बड़ा बेजोड़ चीज है। जैसे 58 ईसा पूर्व में एक राजा थे विक्रम, उन्होंने उन्होंने शकों के हराने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया और कहा कि 58 ईसा पूर्व यह जो संबत होगा इसको हम लोग विक्रम संबत के नाम से जानेंगे। इसमें राजा ने अपने नाम पर संबत चलाया या विक्रम संबत। 78 ईस्वी में कुषाण वंश में एक राजा हुआ कनिष्क, और कनिष्क जब 78 ईस्वी में राजा बनता है तो इस समय इसने एक नया संगत संबत चलाया, और उस संबत का नाम सभी बच्चे जानते हैं शक संबत है। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना संबत चलाया, और यह संबत का नाम था गुप्त संबत। और यहाँ पर देखिए, सभी लोग जानते हैं कि मोहम्मद साहब पैगंबर जब मक्का से मदीना पहुंचे 613 में, तो यहाँ इन्होंने अपना नया संबत लाया, और इसी को हिजरी संबत के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चार संबत हैं, एक संबत है हमारा विक्रम संबत 58 ईस्वी में ईसा पूर्व, दूसरा है शक संबत 78 ईस्वी में, और तीसरा है गुप्त संबत 319 ईस्वी में, और चौथा है हिजरी संबत 613 ईस्वी में। अब पूछा जाए क्वेश्चन राउंड शुरू, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू हो गया, प्राचीन संबत है, प्राचीन का एक काम करते हैं, एक शब्द और लगा देते हैं, सबसे प्राचीन संबत है चॉइस ए बी सी डी। चॉइस ए में शक संबत, बी में विक्रम संबत, सी में गुप्त संबत, और डी में हिजरी संबत। जल्दी बताइए सबसे प्राचीन संबत कौन है, सबसे प्राचीन संबत कौन है? शक संबत, विक्रम संबत, गुप्त संबत, हिजरी संबत, सबसे प्राचीन संबत कौन है? जल्दी बताइए।
तेजी में बताना है सबसे प्राचीन सम्मत कौन है। तो अभी डेट हम लोग देखे कि 58 ईसा पूर्व यह सबसे पहले आया और इसी में सबसे प्राचीन सम्मत जो हम लोग देखते हैं यह हमारा विक्रम सम्मत है। यह 58 ईसा पूर्व में आया, ईसा पूर्व मतलब पहले, माइनस में चला जाएगा काल। शक सम्मत यह 78 ईस्वी में आया और गुप्त सम्मत अभी समझाए 319 ईस्वी में आया और यह 613 ईस्वी में आया। एकदम दिमाग में सेट करेंगे, सम्मत भी सभी का क्लियर हो गया है। सम्मत से एक दो प्रश्न भी और चलेंगे क्योंकि सम्मत जो समझे रहोगे वही ज्यादा बढ़िया समझ पाओगे। चलिए ध्यान दिया जाए इसको बढ़िया से, सम्मत को एकदम बढ़िया से ध्यान देंगे थोड़ा। चलिए तो हमको लगता है कि संबंध सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न और कर ले, देखते हैं कितना लोग सही करते हो। प्रश्न कितना आसान है कि जो हम लोग चले गुप्त विक्रम संबंध, विक्रम संबंध और शक संबंध, विक्रम संबंध और शक संबंध में कितना वर्षों का अंतर है, कितने वर्षों का अंतर है, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने बच्चे यह प्रश्न बना पाते हैं, एकदम डेट उनका क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि विक्रम जो है 58 ईसा पूर्व होगा, 58 ईसा पूर्व और शक 78 ईस्वी में है। तो 58 से 57, 57 से कितना, 56, ऐसे करके एक और फिर एक से 78। तो कुछ नहीं करना है, 78 में 58 जोड़ देना है, 8, 8, 16 के 6 और 7, 5, 12 और 1, 13, 136 वर्षों का अंतर होगा। किनके किनके बीच, गुप्त सॉरी विक्रम संबत और शक संबत के बीच एकदम ध्यान रखेंगे। तो संबत भी इसी में ध्यान रखना है कि भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, राष्ट्रीय कैलेंडर जो हम भारत का देखते हैं हिंदी वाला, वह किस संबत पर आधारित है, शक संबत पर। किस पर आधारित है, शक संबत पर, यह एकदम दिमाग में सेट रखना है। चलिए सभी बच्चों का संबत एकदम क्लियर हो गया। अब संबत के बाद एक और छोटा सा टर्म है जिसमें हम लोग काल को बांटते हैं इतिहास के अनुसार। इसमें हमारा जो पहला काल है को ध्यान देंगे बढ़िया से, एक को पाषाण काल कहते हैं या फिर ऐसे करते हैं, एक को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक कहते हैं प्रागैतिहासिक, दूसरे को क्या कहेंगे, आग ऐतिहासिक, और तीसरे को क्या कहेंगे, ऐतिहासिक।
काल तीन है, एक प्रागैतिहासिक, दूसरा आगे ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं उस पर एकदम ध्यान दीजिए। इसमें प्रागैतिहासिक काल जो हम लोग देख रहे हैं यह हमारा है कि यदि अध्ययन के लिए, सुनेंगे बढ़िया से एकदम याद हो जाएगा, यदि अध्ययन के लिए केवल पत्थर उपलब्ध हो, केवल पत्थर उपलब्ध हो तो उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहेंगे, और अध्ययन के लिए पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत उपलब्ध हो, दोनों उपलब्ध हो लेकिन साहित्य को पढ़ा नहीं जा सके, लेकिन साहित्य को पढ़ा नहीं जा सके तो हम लोग इसको आग ऐतिहासिक काल कहते हैं। साहित्य को अगर नहीं पढ़ सकते हैं, पुरातात्विक है या आग है, दोनों रहे, पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों रहे, और इसमें यदि दोनों है साहित्यिक पढ़ा जा सके, इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ा जा सके तो इस काल को हम लोग क्या कहेंगे, यह हमारा ऐतिहासिक काल होगा। आप देखो दो टर्म है, एक है पुरातात्विक स्रोत, दोनों टर्म पर ध्यान देंगे। आज मेन इतिहास का बेसिक चल रहा है, बेस सबका ठीक रहेगा तो ही कहानी समझ पाओगे। दूसरा है साहित्यिक। अब देखो पुरातात्विक का मतलब क्या है, तो बच्चा पुरातात्विक एकदम ध्यान दे दोगे उस समझ में जाओगे। पुरातात्विक है अवशेष ही, लेकिन इसे मान लो कहीं से कोई मूर्ति मिल गया, कोई सिक्का मिल गया, कोई बर्तन मिल गया, ऐसा कुछ मिल गया और इससे पता चला कि पहले के लोग कैसे रहते थे, इसको पुरातात्विक स्रोत या साक्ष्य कहते हैं। कोई पुस्तक मिल गया, कोई ग्रंथ मिल गया, ये सब चीज अगर मिल गया, अभिलेख कहीं मिल गया, तो इन सब चीजों को साहित्यिक स्रोत कहेंगे। इन सब चीज से पता चले तू रहता कहाँ है, इसको साहित्यिक स्रोत कहेंगे, इसको पुरातात्विक स्रोत कहेंगे, इधर वाला को, ऊपर वाला को पुरातात्विक। चलिए टीवी समझ में आ गया, अब बताइए तो जरा, एक सीधी सी बात चल रहे हैं, जल्दी बता देना है, बताओ प्रागैतिहासिक काल में किस काल को पढ़ेंगे, केवल एक काल, पाषाण काल। क्या ऐसा कोई काल है तुम्हारे नजर में जहां मिला तो दोनों है लेकिन साहित्यिक पढ़ा नहीं जा सका? क्या ऐसा काल है तुम्हारे नजर में कि जहां मिला दोनों है, पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों, लेकिन साहित्यिक को पढ़ नहीं सके हैं? यह कौन काल है जल्दी से बताइए, एकदम बता देते हैं तो एकदम मजे में एकदम समझिए, सही आंसर हो, बहुत बढ़िया। यहाँ हमारा यह काल का नाम है हड़प्पा काल, हड़प्पा सभ्यता, या इसी को सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। यही हमारा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता है, जहाँ साहित्यिक तो मिला लेकिन उसका लिपि ऐसा था कि लोग पढ़ ही नहीं पाए, तेरी लिखा क्या है, तो ध्यान देना है एकदम बढ़िया से। और इसके बाद जितना काल है, गुप्त काल, मौर्य काल, इन सब काल को हम लोग ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखते हैं। तो बेसिक बात एकदम क्लियर हो गई, बेसिक बात में कहीं भी कोई डाउट नहीं है। अब क्लास थोड़ा आगे बढ़ाया जा रहा है और अब सिलेबस पर हम लोग चलेंगे, और सिलेबस में तुमको समझाए थे कि पहला जो बात था वह था हमारा पाषाण काल। अब पाषाण काल से हम लोग सुनेंगे, पहला है कि पाषाण काल कहेंगे किसको, तो जिस काल में मनुष्य
पत्थर का सर्वाधिक उपयोग करता था, उसकी दिनचर्या पत्थर से ही टिकी थी, पत्थर पर ही वो टिका था, तो उस काल को पाषाण काल कहते हैं। और पाषाण काल में हम लोग सुनेंगे, पहला इसमें तीन खंड में इसको बांटते हैं, कहते हैं पूरा पाषाण काल, एक हमारा है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल एकदम कहानी पर खूब बढ़िया से गौर करेंगे और समझेंगे। पाषाण काल क्या है? तो जिस काल में मनुष्य ने सर्वाधिक पत्थर का उपयोग किया उस काल को पाषाण काल कहते हैं। अब हम तुमसे पूछे कि पाषाण काल में सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते थे? तो तुम दिमाग में सेट करो, पत्थर का काल है, ज्यादा लोग पहाड़ी क्षेत्र में, जंगली क्षेत्र में रहेंगे जहाँ पत्थर खूब मिले। और पाषाण काल को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल एकदम सभी का दिमाग में सेट होना चाहिए। पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल को दिमाग में सेट रखना है, यह पाषाण काल का यह आरंभिक चरण था। पाषाण काल का यह आरंभिक चरण है, यहीं से पाषाण काल की शुरुआत हुई। लोग यहीं से पाषाण काल में पत्थरों से अपना जीवन का जो मूलभूत आवश्यकता है पत्थर के द्वारा ही पूरा किए। जैसे इस समय लोग पत्थरों के गुफा में रहेंगे, इस समय रहने के लिए घर नहीं, इस समय इनके हथियार भी पत्थर के, औजार है वो पत्थर के हैं। इस समय यह लोग रात में नहीं निकलेंगे, लोग जंगल में नहीं जा रहे हैं कि एकदम जाना ही, रात में कहीं नहीं निकलेंगे, तो काल देख रहे हैं, पत्थरों का काल है, रात में नहीं निकल रहे हैं, तब पाषाण काल है आरंभिक चरण। पाषाण काल में मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि क्या मिली? यह उपलब्धि था आग का खोज। आग का खोज, यह देखिए आग का खोज जो है पाषाण काल में हुआ, और पाषाण काल में आग का खोज बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान देंगे। तो जो पाषाण काल में काल आग का खोज हुआ, ये पूरा पाषाण काल में ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनुष्य इस समय सब हथियार पत्थर का रखे हुए, और जब सब पत्थर का रखे हुए है तो रात में यह पत्थर से पत्थर टकराता था, तो जो चिंगारी निकला उसी चिंगारी के द्वारा इन्होंने आग का खोज कर दिया। तो मनुष्य ने सबसे पहले किस चीज का खोज किया? तो आग का खोज किया, और आग का खोज कब किया? तो पाषाण काल में किया, यह भी ध्यान रखना है। आग का खोज कब किया? पाषाण काल में किया, एकदम ध्यान रखना है। सभी को कोई दिक्कत नहीं होना है, एकदम मजे में पढ़ेंगे जी। कहीं भी आज तो बेसिक पहला क्लास है, एकदम बेस समझ लेना है, और बेस समझ के एकदम सबको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अब पूरा पाषाण काल के बाद हम लोग देख लिए, अगला जो टर्म है उसका नाम है मध्य पाषाण काल। अब सब काल का इंपॉर्टेंट है, मध्य पाषाण काल मध्य का चरण है, यह बीच वाला हिस्सा है, और इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है, मनुष्य ने पशुपालन प्रारंभ कर दिया। पशुपालन का मतलब क्या है? मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, और इसमें सबसे पहला जो पालतू पशु बना उस पशु का नाम क्या था? जल्दी बोलिए, पहला जो पालतू पशु मनुष्य ने बनाया उस पशु का नाम क्या है? एकदम जल्दी बताना है, तेजी में बताइए। बहुत बढ़िया, एकदम खूब मजे में देख रहे हैं,
उस पशु का नाम है, बताइए, कुत्ता जी। यही कुत्ता है जिसको मनुष्य ने सबसे पहली बार पालतू बनाया। अब कुत्ता से है क्या कि हमको एक जोक याद आ गया, तो जोक सुना ही देते हैं। अब एक लड़का का नाम था पप्पू। अब तुम समझिए रहे हो कि पप्पू किसको कहते हैं, पप्पू मतलब तो पप्पू है। अब पप्पू देखा कि रोड पर पूरा भीड़ लगल है, बहुत हैवी भीड़ लगा हुआ है रोड पे। और जब पप्पू भीड़ देखा तो जानना चाहा कि अंदर क्या है भाई। और वही पप्पू वो भीड़ को चीर के अंदर जाना चाह रहा था कि क्या हो गया क्या हो गया। और जब उसको जगह नहीं मिला, किसी ने कहा कि एक्सीडेंट हो गया है, उसको जगह मिल ही नहीं रहा है। पप्पू कहा कि अरे अरे हटिए हटिए हटिए, मेरे मौसा जी हैं, जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनके मौसा जी थे। भीड़ एकदम रास्ता दे दी कि जाइए जाइए जाइए। और जब पप्पू अंदर पहुंचा तो देखा कि वो कुत्ता मरल है। तो समझिए रहा है कि पप्पू किसको कहेंगे। तो चलो ध्यान दो बढ़िया से, इधर मनुष्य ने पहली बार किस पशु को पालतू बनाया, तो वह पशु था हमारा कुत्ता। किस काल में बनाया, तो वह काल था हमारा मध्य पाषाण काल, याद रखेंगे। अब चले हम लोग पाषाण काल के सबसे अंतिम फेज में, अंतिम चरण में, जिसका नाम है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, और नव पाषाण काल में मनुष्य ने जो इसको अंतिम चरण है पाषाण काल का, इसके बाद पाषाण काल नहीं रहा, मनुष्य अस्थाई निवास करने लगा, खेती करने लगा। इसी समय तुम देखोगे कि मनुष्य ने पहली बार कृषि का खोज किया। इसी समय मनुष्य ने चाक का खोज किया, और इसी समय मनुष्य ने पहिया का खोज किया। यह देखो नव पाषाण काल है। पाषाण नव, नव का मतलब नया होता है, लेकिन यहां है कि नहीं, नव पाषाण काल पाषाण का अंतिम चरण है। इस काल में चाक और इस काल में पहिया का खोज हुआ। तुमसे अब देखो हुआ क्या, पाषाण काल में जब पहली बार कृषि का खोज हो रहा है तो मनुष्य खेती करने लगा। और खेती करने में इसमें होता क्या था कि अगर कहीं बीज उज रोप दिया कुछ का और उस छोड़ के चला जाएगा तो जंगली जानवर आके तो नष्ट कर देते थे। तो अब यही लोग यहाँ रहना शुरू किया, और जब रहने लगा तो धीरे धीरे इसका अस्थाई निवास शुरू हो गया, झोपड़ी वगैरह बनाने लग। अब इसने चाक का प्रयोग किया। चाक का मतलब था इसी समय से मिट्टी का बर्तन बन रहा था। देखो चाक को कुम्हार रखता है, उसी को चाक कहते हैं। और ये देखो पहिया, पहिया का खोज भी इसी समय हुआ ताकि सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाए। और पहला पहिया ध्यान रखोगे लकड़ी का बनाया गया। मनुष्य ने सबसे पहले पहिया किसका बनाया, लकड़ी का। और यहां से मनुष्य पाषाण काल से आगे चला गया। और अब दिमाग में सेट करेंगे कैसे मनुष्य का डेवलपमेंट हुआ। मनुष्य ने सबसे पहले पाषाण काल, अब याद रखेंगे कि पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल के बाद कांस्य युगीन काल, और कांस्य युगीन के बाद लौह युगीन काल। आप देखिए मनुष्य पत्थर के काल से चलते चलते आज के टाइम में इतना डेवलपमेंट कर गया, इतना डेवलप कर गया है आज के टाइम में कि इसने लौह युगीन लोहा के काल में प्रवेश कर लिया। आज इसके पास लोहा से संबंधित धातु है, जिस समय यह लोहा के बारे में जानता भी नहीं था, पत्थर से अपना जिंदगी शुरू किया, और आज लोहा का हैवी हैवी एकदम हथियार,
हैवी हैवी वस्तुएं एकदम लोहा से बनाए हुए हैं, रेलवे लाइन का पटरी, रेलवे लाइन के डिब्बे, रेल के डिब्बे, तुम्हारे घर में जो छड़ हैं यह सब लोहा के बने हुए हैं। यहाँ तक अब क्वेश्चन देखो, एक बहुत बढ़िया पूछता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, जल्दी बोलिए, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, एकदम तेजी में बताना है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया। बहुत बढ़िया, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का खोज किया, यह भी दिमाग में एकदम सेट रखना है। तो मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु का खोज किया वह धातु क्या था, तांबा। इसके बाद फिर हम लोग कांसा का खोज किए, कांसा मुख्य रूप से हड़प्पा काल का धातु है। इस काल में हम लोग लोहा से परिचित नहीं थे, सोचो धातु में कांसा से परिचित हैं लेकिन लोहा के बारे में नहीं जानते हैं। तुमको जान के आश्चर्य होगा कि लोहा का पहली बार प्रयोग श्याम अयस नामक करके शब्द है, इस काल में, उत्तर वैदिक काल में पहली बार देखो लोहा का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में कर रहे हैं श्याम अयस शब्द से। और श्याम अयस शब्द में इंपॉर्टेंट क्या था जो समझाते हैं, श्याम अयस में सबसे इंपॉर्टेंट था यह लोहा है लेकिन इसका प्रयोग पहली बार युद्ध के क्षेत्र में हुआ है ना कि कृषि के क्षेत्र में। लोहा का प्रयोग 600 ईसा पूर्व पहली बार कृषि के क्षेत्र में महाजनपद काल में हुआ और वहां से पूरे इंडिया में 16 महाजनपद का निर्माण हुआ और वही 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद वही है हमारा मगध। यही मगध इसकी राजधानी राजगृह थी, यही देखिए 16 महाजनपद में शामिल हुआ। तो यह हमारा आज का जो बेसिक क्लास था वो मैंने आपको दे दिया और अब इसमें सुनेंगे हम लोग बढ़िया से कि बेसिक क्लास के बाद हम लोग जो इसमें अब चलेंगे बड़ा एकदम मजेदार रूप से चलना है। यहीं से हम लोग का काल शुरू होगा और उस काल का नाम होगा हड़प्पा काल। इस काल का नाम क्या है, हड़प्पा काल, और मजेदार काल है। एक क्लास में लेसन खत्म करेंगे हम लोग, खूब मजे में पढ़ेंगे। तो आप लोग बस इसी प्रकार अपना प्यार उड़ाते रहिए। पाठ समाप्त हो गया, पुनः एक बार टेबल कुर्सी झाड़ लीजिए और झाड़ के एकदम बैठ जाइए। अभी जिन बच्चों को नौकरी लेना है तो उनके लिए छठ, होली, दिवाली सब सब नॉर्मल डे की तरह होना चाहिए। अब तुम छठ मनाओगे, तुम होली मनाओगे, तुम दिवाली मनाओगे, तुम्हारा दिवाला निकल जाएगा। तुम अभी ये सब को इग्नोर करो, होली भी तुम मनाओगे और जिस दिन होली मनाओगे उस दिन तुम्हारे चेहरे पर बिना रंगों के सबसे ज्यादा चमक होगी जब तुम्हारे घर ज्वाइनिंग लेटर आएगा। बात समझ रहे हो ना, तो बस अभी सब चीज को इग्नोर करो। ऐसा नहीं होली आया था चार दिन छुट्टी मार दिए, छठ आया था फिर चार दिन छुट्टी मार दिए, अरे ऐसे तो पूरा साल पर्व है, कितना छुट्टी मारोगे। नॉर्मल डे की तरह जिंदगी होना चाहिए और उस डे में तुम आसानी पूर्वक एकदम रहो और एकदम से एक विद्यार्थी वाला जीवन जियो। जब तक नौकरी मिलेगा नहीं तब तक पढ़ना छोड़ेंगे नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार तुम सभी का आज के सेशन के लिए। और आज हिस्ट्री का जो बेसिक क्लास था एकदम मजे में कंप्लीट हुआ, तुम लोग एकदम मजे में पढ़ो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए थैंक यू।